सविता जी, सादा हॉस्पिटल में इस बार कौन कौन से नए नए विभाग खोले गए? हॉस्पिटल में अभी कार्डियोलॉजी शुरू कर रहे हैं हम लोग सितंबर से जी, यूरोलॉजी शुरू कर रहे हैं, क्रिटिकल केयर में एडवांस क्रिटिकल केयर शुरू कर रहे हैं जी, और नेफ्रोलॉजी को एम्फसाइज किया है, यूरोलॉजी को किया है, और मैं समझता हूँ कि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, मतलब मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 95% सर्जरी जो है ना, जितनी तरीके की हैं जो मेडिकल साइंसेज में है, वो सभी हम पूरी जाएंगे। खाली हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट्स और न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट हमारे नहीं है, बाकी ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट हमारे हैं। सर, मेडिकल शासन की तरफ से मेडिकल कॉलेज का आपको मेडिकल कितनी सीटें मंजूर की गई हैं और क्या रिस्पॉन्स रहा, पूरी भर गई हैं, खाली हैं? तो काउंसलिंग से आते हैं बच्चे, मेडिकल में सब भर ही जाते हैं, तो 85% बच्चे काउंसलिंग से आते हैं और उसके अलावा 15% NRI है जी, 100 सीटों की इंटेक है मेडिकल में भी और डेंटल में भी जी। लास्ट सवाल सर, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सादा यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल आपका क्या कर रहा है? देखिए, ये तो एक तो चैरिटेबल हॉस्पिटल है, अब ये सुपर स्पेशलिटी शुरू हो रही है, सितंबर एंड में शुरू हो जाएंगी, तो उसमें मेडिकल टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे और दैट विल बी पेड। जितना भी जो सुपर स्पेशलाइजेशन है, क्रिटिकल केयर है, एडवांस क्रिटिकल केयर है, और अपने ये जो अपना कार्डिक सेंटर जो बना रहे हैं ना, वो सब्सिडाइज रेट पे चलाया जाएगा और उस पर मेडिकल टूरिज्म को भी इंक्रीज किया जाएगा जी। सर, थैंक यू।